बेता थाना अंतर्गत जो डीएमसीएच के पास स्टेट बैंक है वहां से एक ऋदिकेश करके स्टूडेंट है, वो 1,15,000 रुपया निकाल के बाइक से जा रहे थे, तो उसमें दो अपराधकर्मी पीछा करते हुए उनसे पैसे छीन लिए और उसमें 1,15,000 रुपये थे। सूचना मिली, उस सूचना पे हमारी जो पार्टी थी, कुछ लोग थे गश्ती में और जो हमारी टेक्निकल टीम थी वो सभी पीछा किए, और इस पीछा करने के क्रम में लोग सिमरी के आगे इनको इंटरसेप्ट किया गया और ये दोनों अपराधकर्मी बाइक के साथ पकड़े गए और उनके पास से वो लूटे हुए जो रुपये हैं वो बरामद हुए हैं। और इन दोनों की पहचान कोढ़ा गैंग जो कटिहार का है वहाँ के रहने वाले के तौर पर हुई है, एक विमल सिंह है और एक नैंशु कुमार है। इन दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग इस प्रकार की घटनाएं विभिन्न जिलों में करते रहे हैं। ये सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इन्होंने क्राइम किया है। कितना पैसा ये लोग लूटा था और कितना बरामद हुआ? 1,15,000 वो बताए हैं कंप्लेनेंट, और इनके पास से बैग में 1,10,000 रुपया मिले हैं। तो हम लोग ये भी मिला ले रहे हैं कि 5,000 रुपया या वो कंप्लेनेंट ने ज्यादा लिखा है या फिर इन लोगों ने 5,000 रुपये कहीं रास्ते में लोगों ने कहीं यूज कर लिया या निकाल दिया। कंप्लेनेंट का क्या नाम है सर? ऋदिकेश कुमार। ऋदिकेश सर, जिस तरह से देखा जाता है कि अक्सर ऐसी घटना होती है कि बैंक से लोग पैसे लेकर के निकलते हैं और उनके साथ छिनतई हो जाती है, तो क्या बैंक स्तर से भी किसी तरह की कुछ सिक्योरिटी करने की जरूरत है? देखिए, तो जो भी अपराधी होते हैं वो बैंक से जब लोग निकलते हैं तो उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में चिन्हित करते हैं और उसका पीछा करते हैं और जगह देख के कहीं पे सुनसान जगह देख के ओवरटेक करके छीन लेते हैं। सामान्यतः बैंक के पास तो घटना नहीं घटती, वहां से कुछ दूर हटके ही होती है, तो ये भी हुआ है। और पूर्व में भी उस पीओ के आसपास आज से 3-4 महीने पहले भी एक सेम घटना घटी थी, उसमें भी कोढ़ा गैंग के ही लड़के थे और वो भी पकड़े गए थे बाद में कुछ दिनों के बाद। तो हम लोगों ने कोढ़ा गैंग पे जितने सभी हैं उनका डेटाबेस है, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और ये उस मॉनिटरिंग का ही नतीजा था कि जब ये क्राइम हुआ तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाए, महज 3 घंटे के अंदर डिटेक्शन हो गई और रिकवरी हो गई। सर, इस अपराधी को पकड़ने में किसी और लोगों का भी सहयोग मिला आपको, जैसे पुलिस दल? इसमें तो पूर्णतः हमारी दरभंगा पुलिस की टीम थी, सभी लोग जो भी इसमें टेक्निकल टीम के थे और टाउन थाना प्रभारी, सिंहवाड़ा प्रभारी, ये सभी लगे हुए थे और सबने मिलकर काम किया। सक्रिय और भी गैंग के लोग हैं? नहीं, अपराध इस घटना में तो यही दो, इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, ये दोनों जो पकड़े गए। इनके और भी लोग हैं, कोढ़ा में बहुत बड़ा गिरोह चलता है।